वहां पर वो जय श्री राम भी उनको देने गए और वहां पर वो नोटों पे अभी वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी लगवाने गए हैं। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना असली चरित्र दिखला रहे हैं। वो बीजेपी की बी टीम थे और वो बीजेपी की बी टीम है और वो उसी तौर पे अपना आचरण कर रहे हैं, इसमें ताज्जुब की कोई बात ही नहीं। भाई इतनी बड़ी दुकान खुली हुई है हिंदुत्व की, उसके सामने ये अपना छोटा सा खोमचा लेके बैठेगा तो कैसे बात बनेगी। हमें भी हम ये तो जानते ही हैं ऑब्वियसली कि 20,000 और 25,000 रुपए जो हमने मांग उठाई थी कि हेल्पर्स को 20,000 रुपए मिले 25,000 रुपए मिले, ये बहुत कम है। लेकिन ये मांग तो हम बहुत शुरुआती दौर में उठा रहे हैं अपने संघर्ष के कि आप इतनी मांग तो मानो, इतनी भी नहीं मान रहे हो। अभी कर्मचारी के दर्जे के तौर पर अगर हमें जब स्केल लागू होगा तब तो हम भी जानते हैं कि तब तो स्केल लागू होगा। ये तो अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कम से कम, पहली चीज मिनिमम वेज भी इतनी नहीं है, मिनिमम वेज को बढ़ाओ, इसको कम से कम 20,000-25,000 करो और अभी कम से कम पहले कदम के तौर पे 20,000-25,000 दो। लेकिन इन सरकारों की तो इतने में फूंक सरक जाती है, ये भी नहीं दे पाते, इतना भी नहीं ये कर पाते हैं। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि जो आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता करी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए आज जो हमने प्रेस वार्ता की है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों का हम लोग नुमाइंदगी करते हैं। हम लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो घोषणाएं की हैं। एक ये कि दो चुनावी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनके आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी रवैये, मजदूर विरोधी रवैये के कारण, और जो हमारी स्ट्राइक के साथ इन्होंने किया, जो हमने 38 दिन की स्ट्राइक इस साल चलाई, और स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से हमारी स्ट्राइक पर एस्मा का काला कानून लगाया, उसके बाद करीबन 900 आंगनवाड़ी कर्मियों को टर्मिनेट किया, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इनके इस रवैये को देखते हुए आने वाले निगम चुनावों में जो कि 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले हैं, हमारे जो यूनियन है, हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया है कि हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। यानी कि हम इनकी वोट बंदी करेंगे हमारे इलाकों में, हम इनके नुमाइंदों को चुनाव का प्रचार भी नहीं करने देंगे और हम हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे इलाके के लोग इनको वोट भी नहीं देंगे। पहली घोषणा ये। दूसरी घोषणा ये कि अगर आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों ने, अब आप कहेंगे कि इन्हीं दो पार्टियों को आप क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यही दोनों पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में सत्ता में है और बीजेपी MCD और केंद्र में है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये मौका है कि ये हमारी मांगे, मुख्य तौर पे जो पुनः बहाली की मांगे हैं, जो तमाम आंगनवाड़ी कर्मी आपने गैर कानूनी तौर पे टर्मिनेट किए, उनको अगर आप तत्काल बहाल नहीं करेंगे और बाकी हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग फिर से स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होंगे, फिर से हड़ताल करने को मजबूर होंगे और दिल्ली की जनता को होने वाली कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी आप लोगों की वजह से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से होगी। और हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसलिए आपके पास मौका है कि आप हमारी मांगों का संज्ञान लें और जो बहाली की मांग है, जो अन्य सभी मांगें, इनको तुरंत माने। यही एक तरीका है जब आप अपनी वोट बंदी से भी बच सकते हो और जो स्ट्राइक का हवा आपके सरों पे मंडराएगा आप उससे भी बच सकते हो। क्या आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिरा तौर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप जान दिल्ली की किसी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, लेकिन वो है कहाँ पर, वो तो कहीं है ही नहीं गेम में। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही टक्कर होने वाली है और हम उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनको हमारी वोट बंदी से नुकसान होगा। कांग्रेस को ऑलरेडी कांग्रेस वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं या हम किसी भी चुनावबाज पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारी, ना सिर्फ हमारी, जो आम तौर पे मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करे, उनके मसलों को उठाए, तो जाहिर तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअली, हमारी यूनियन नहीं लेकिन इंडिविजुअली सिटीजंस के तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये समर्थन पत्र हमें बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने दिया होता और उन्होंने ये भी कहा होता कि हम सारे मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं और हम उनकी मांगों को मानते हैं, तो मैं ये
ये वाला डॉक्यूमेंट मैं उनका भी यहाँ लहरा देती। उन्होंने ऐसा कोई नहीं वायदा किया। तो जाहिर तौर पे जो वायदा करेगा तो उसका हम जिक्र तो करेंगे। आपको इससे क्यों प्रॉब्लम है? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अभी हम खुद ही देख सकते हैं कि 8 मार्च को इस साल जब अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस था और जब आंगनवाड़ी कर्मी राजघाट से दिल्ली सचिवालय हजारों की संख्या में रैली निकाल के जा रही थी, उसी के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार की मिली भगत की वजह से हमारे स्ट्राइक पर एस्मा लगाया गया। 8 मार्च को ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी चुनावबाज पार्टियां भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। एक तो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही करते रहते हैं, दूसरे बोलते हैं कि वो दिल्ली को इतना सेफ बनाएंगे महिलाओं के लिए कि हर जगह हमारी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो आप 8 मार्च को तो हवाई वायदे कर रहे थे, एक दिन बाद आप जो महिला मजदूर स्ट्राइक पर थी वो महिला ये उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो आप अगर ऐसे ये एकदम आप सही कह रहे हो कि इन चुनावबाज पार्टियों का तो रवैया एकदम वो है। इसलिए ये भी एक कारण है कि ऐसी चुनावबाज पार्टियों का हम बहिष्कार करेंगे जिनका स्त्री विरोधी रवैया होगा। एक स्त्री मजदूर के तौर पे, एक स्त्री कामगार के तौर पे ये भी हमारे आप कह सकते हो एजेंडा में एक मुख्य बिंदु है। मांगे तो मानने की ये, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत छोटा स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं, है ना। आप वैसे आम तौर पे मजदूर आबादी के जीवन स्थितियों को देखें तो हमारी आंगनवाड़ी कर्मियों ने तो एक मिसाल भी कायम की अपने आंदोलन के जरिए कि एक ऐसे निराशा और पस्त हिम्मति के दौर में जिस किस्म से हमारी बहनों ने बहादुराना संघर्ष लड़ा, ये तो एक मिसाल थी। लेकिन जाहिर तौर पर आपकी बात एकदम सही बात है कि इन चुनावबाज पार्टियों से और खास तौर पे जो केंद्र सरकार है, उन्होंने खुद ही कहा था कि पकौड़े तलना भी तो रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर वो दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, 55,000 पोस्टें खाली हैं दिल्ली सरकार की। 55,000 जो दिल्ली सरकार की अपनी पोस्ट हैं वो खाली हैं, इन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने तो फ्रीज कर रखी हैं भर्तियां। यूपी में आप हाल देख लो, अभी क्या हाल हो रहा था। हाँ, ये वो हुआ कि एक हाथ से आप चवन्नी दो और दूसरे हाथ से जो आप जो है 10 रुपया ले लो, क्योंकि जो ये आप जो हमें बताया जाता है कि हम मुफ्त में ट्रैवल करते हैं, आप दूसरे हाथ से पेट्रोल का, दिल्ली सरकार अपना क्यों नहीं पेट्रोल, दोनों सरकारें सेस लगाती हैं ना, अपना सेस खत्म कर दे। आप खुद सोचो जो वैट लगाती है, टैक्स लगाती है, वो सारे टैक्स खत्म कर दो आप। ये तो वैसे भी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जो चीजें सहज उपलब्ध होनी चाहिए, फ्री ट्रैवल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री एजुकेशन, नौकरियां सबको बराबरी वाली, ये सब तो सहज तौर पे सबको उपलब्ध होनी चाहिए। जब कोई पार्टी इनमें से एक छोटा सा लॉलीपॉप देती है तो हमें लगता है वाह भाई क्या इन्होंने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया है, नाम एहसान मंद है। वहां पर वो जय श्री राम भी उनको देने गए और वहां पर वो नोटों पे अभी वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी लगवाने गए हैं। ये इन दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, कौन सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के मामले में, हिंदुत्व का कार्ड खेलने के मामले में, वो उनको टक्कर अभी भी कोई नहीं। ये अब इसी से पता चलता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। हमें शिक्षा मिलती है जो हमें लिटरेट, हमें क्या बोलते हैं उसको, साक्षर तो बना देती है, लेकिन हमें एजुकेटेड, हमें एनलाइटेंड, हमें प्रबुद्ध नहीं बनाती है। ये त्रासदी है इस देश की कि हमें ऐसा, हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहाँ पे किसी रॉकेट को लॉन्च करने भी जाना होता है तो पहले तिरुपति बालाजी जाके उस पर तिलक लगाया जाता है रॉकेट पे, तब वो स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ये देश की हालत है। और यहाँ पर सही बात है, एक आईआईटी का पास बंदा, लेकिन इसमें आईआईटी वाली कोई बात ही नहीं, उन्होंने कभी ये तो कहा नहीं था कि वो बड़े सेक्युलर आदमी हैं। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना असली चरित्र दिखला रहे हैं। वो बीजेपी की बी टीम थे और वो बीजेपी की बी टीम है और वो उसी तौर पे अपना आचरण कर रहे हैं, इसमें ताज्जुब की कोई बात ही नहीं। नहीं, धर्म तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसी बड़े ही क्या कहें कि प्रबुद्ध व्यक्ति थे, मजदूरों के बड़े चहेते थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि धर्म तो अफीम है। और जाहिर तौर पे धर्म की पैदावार एक ऐसी व्यवस्था में ही हो सकती है जहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, गरीबी हो। हम कहते हैं ना, लोग धर्म लोगों से क्या क्या करवाता है, धर्म तो करवाता ही है, गरीबी भुखमरी भी लोगों से ये करवाती है। लोग क्यों जा रहे हैं, मैं यहाँ अमीरों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो अमीरों के भी एक अलग बाबाओं का मार्केट है, गरीब आदमी धर्म के प्रश्रय में, उसके आप कह सकते हो उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, शायद मुझे यहाँ कुछ मिले।
इरेशनल चीज है, लेकिन इसके जड़े हैं समाज में। जब तक समाज में अनिश्चितता रहेगी, जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज में अमीरों और गरीबों के बीच में फर्क रहेगा, धर्म रहेगा, धर्म का आधार रहेगा। मोदी सरकार तो इसमें नंबर वन है, जो हमें साइंस कांग्रेस में बताती हूँ कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में हुई थी गणेश, आपको पता है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने गणेश का यहाँ पे सूंड लगाई थी, वो प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहली मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ बिल्कुल, ये बात भी है। अब ऐसे लोगों के हाथ में हमारा देश है, जो एंटायर पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस से पास आउट है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डीयू के पास आउट है, डिग्री है उनके पास। तो यही समझा जा सकता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ आंगनवाड़ी कर्मी जो हेल्पर्स की पोस्ट पे हैं, वो एमए की हुई हैं, एमए की डिग्री लिए हुए हैं, सोशल सर्विसेज में, सोशल वर्क में उन्होंने मास्टर्स की हुई है, वो आंगनवाड़ी का काम करी है 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। तो बिल्कुल सही बात है, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, पूरी बात से तो नहीं कहीं जुड़ता था, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि रैशनैलिटी को सोचने समझने का जो एक वो था ना, अब आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है, नई शिक्षा नीति ला रही है, कोई कहे कि एक मजदूरों की यूनियन नई शिक्षा नीति पे क्यों बोल रही है, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिन बच्चों को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ा रहे हैं वो भी इस शिक्षा नीति का दंश झेलेंगे और हम भी झेलेंगे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ ये शिक्षा नीति आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी, आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगी, क्योंकि अब ये वर्कर से ही प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का काम करवाएंगे, वो तो उसका एक पहलू है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अतार्किकता को, आप तर्क ना करें, आप सवाल ना पूछें, आप कोलू के बैल की तरह, जो आपको सरकार बता रही है, आज तो सवाल पूछने पे ही पाबंदी है, आप देशद्रोही हैं, नक्सल हैं, माओवादी हैं, आप इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो सवाल पूछ रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन सवाल पूछना तो वैसे भी किसी भी जनवादी लोकतंत्र का बड़ा एक बेसिक सा फाउंडेशन होता है ना, हमें पहले सिस्टम पे बात करनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम आप रेव मतलब आप इस तरीके का जिसको आप कह सकते हो कानूनी तौर पे आप कोई प्रोविजन करके कि हम 25% जो है इनको दे देते हैं, 25% इनको दे देते हैं, आप इस तरीके से गरीबी तो दूर नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही जहां पर ये लागू नहीं हो रहा, अभी तो जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है जहां पर दलितों एससी एसटीज के लिए, दलितों के लिए ये नहीं लागू हो रहा है, ये सरकार तो वहां पर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, कई सारी जगह पे वैकेंसीज, कई यूनिवर्सिटीज में दलित एससी स्टूडेंट्स के जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो वो फिल, आप पहले वो भरो। ये देखिए एक ऐसे टाइम में जब आपको पता है कि जनता भी आज रोजगार पर सोच रही है, उसको मसला मानती है, गरीबी को मसला मानती है, शिक्षा को मसला मानती है, आप एक ऐसे दौर में आप जानबूझ के इस तरीके के मसलों को उठाते हैं कि लोग आपस में ही लड़ मर जाएं। मैं देखिए संविधान को लेकर भी मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल तो हूं नहीं, अभी तक भी मोदी सरकार ने जो सारे तीन तिगड़म किए हैं वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किए नहीं है, जो सारी चीजें आज देश में हो रही है जिस तरीके से, जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम जो भी आप कहते थे हमारे लोकतंत्र के जो पिलर्स थे, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली बीजेपी ने और संघ परिवार ने घुसपैठ की है, तो वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किया नहीं है। तो संविधान की मूल भावना भी कोई बहुत इस तरीके की बड़ी कोई सशक्त भावना रही हो, बड़ी कोई प्रो पीपल भावना रही हो, मुझे तो इस पर डाउट है, बाकी इस पर डिबेट हो सकती। ये एक बार फिर दिखला देती है कि ये सरकार और ये पॉलिटिकल पार्टी कितनी दो मुही है। गुजरात में ये किया इन्होंने, पंजाब में ऑलरेडी ये कर चुके थे, पंजाब में इन्होंने खास तौर पे आंगनवाड़ी कर्मियों से वायदा किया था, हम यहाँ हैं तो तुम्हारा मानदेय डबल कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ है डबल। वैसे मैं कहूंगी आप अपने मीडिया के साथियों को वहां पर बोलिएगा कि उनसे ये सवाल पूछिए कि उस वायदे का क्या हुआ, अब गुजरात में जा रहे हैं तो वहां पर वो वायदा कर रहे हैं। ये इस आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स बड़ी मतलब मजेदार किस्म की पॉलिटिक्स है, वायदा सभी से करते हैं, पूरा किसी से भी नहीं करते हैं, ये इनकी पॉलिटिक्स है ना कि हम वादों पे खरे उतरते हैं। अब दिल्ली मॉडल की असलियत देखिए, 900 कर्मचारी यहाँ पे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर सड़कों पर हैं, इनकी जॉब्स नहीं है, इनको टाइम से पेमेंट नहीं होती है,
आप दिल्ली सरकार का कोई भी महकमा उठा के देख लो, दिल्ली सरकार का चाहे डीटीसी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, गेस्ट टीचर्स हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो, कहीं पर भी हो, क्या टाइम से पेमेंट होती है? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जानने वाले जो पंजाब में रह रहे हैं वहां पर भी यही सिस्टम शुरू हो गया, मुलाजिमों को टाइम से पेमेंट ही नहीं हो रही है। जो सरकारी मुलाजिमों को पहले पेमेंट टाइम से होती थी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नहीं हो रही है। तो दिल्ली मॉडल बेसिकली यही मॉडल है जिसके लिए हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी इस टाइम घबराई हुई है, जो आपने देखा भी वहाँ गुजरात में जो मोरबी का हादसा नहीं कहना चाहिए, वो तो कत्लेआम ही था, जिसमें गुजरात की बीजेपी सरकार और जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी जिस कंपनी को काम दिया गया था वो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। हाँ, जिसको हम घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, जिसको एक पुल बनाने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और पुल एंड त्योहारों के मौके पर खोला गया, क्योंकि हमें पता है कि धर्म की राजनीति बीजेपी के लिए कितनी कीमती है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब बीजेपी का सितारा गर्दिश में है, वो ये चाहते हैं कि अभी इससे ज़्यादा और ढलान पे जाएगा, अभी करवा लो एमसीडी का भी चुनाव और गुजरात का भी, क्योंकि सब जानते हैं ईवीएम्स के साथ क्या होने वाला है। देखिए, हमारी यूनियन तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, इंडिपेंडेंट यूनियन, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी यूनियन तो जाहिर तौर पे ये कभी नहीं कहेगी आप इसको वोट करो या उसको नहीं करो। हाँ, हम किसी की वोट बंदी का फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने हमारे आंदोलन को, हमारी बहनों को जो तकलीफ दी है, उसका एक एक पल हमें याद है, है ना। हमारे आंदोलन को क्रश करने के लिए एस्मा जैसे कानून को लाना, 900 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मियों को बर्खास्त करना इलीगली, ये सारी चीजें हम भूल नहीं सकते। और अभी भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस टाइम भी हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो टर्मिनेट है, कईयों के घर में इस टाइम खाने की प्रॉब्लम है, कहाँ से लाएंगे? ये सोल ब्रेड विनर है, ये सिंगल मदर है, ये कैसे अपने घर का खर्चा उठाएंगी? इनकी मम्मी और इनकी बहन भी आंगनवाड़ी में काम करती थी, उनको भी टर्मिनेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक करना इलीगल है। तो आम आदमी पार्टी क्यों सत्ता में आने से पहले 26 जनवरी के दिन धरने देती थी और ये बोलते थे हमारे राज में किसी को धरने नहीं देने पड़ेंगे, ये इसका एक जिसको कहते हैं ना एक सबटेक्स्ट था, बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए, इसका मतलब था हमारे टाइम में किसी को हम धरने नहीं देने देंगे, हम धरने ही नहीं देने देंगे। जो केजरीवाल सरकार है वो तो राशन तो फ्री दे ही रही है खाने पीने के लिए। कहाँ दे रही है? अभी भी दिया जा रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। आपने कभी इसके लिए कोई स्टोरी की है? ये एक छोटे से हिस्से को जिसको कोविड के टाइम में, क्योंकि मैं एक संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ, बिगुल मजदूर दस्ता में उससे जुड़ी हुई, हमारा काम है खजूरी में, करावल नगर में, शाबा डेयरी में, हमने वहां पे सर्वे किया था कि ये जो फ्री राशन और फ्री ये सबका ये कितने लोगों को मिलता है। हमें तो मुश्किल से, मतलब हमने सैंपल सर्वे किया होगा 500-600 लोगों का, मुश्किल से 3 या 4 हाउसहोल्ड्स मिले जहां पर वो जो बेनिफिशियरी हैं। फ्री राशन का मतलब क्या है? चावल और गेहूं, तो चावल और गेहूं कैसे खा लोगे? उसको पकाने के लिए गैस चाहिए, आपको गैस का पता है रेट क्या है? उसके साथ खाने के लिए सब्जी चाहिए, सब्जी का आपको रेट पता है क्या है? क्या चावल और गेहूं देने से फ्री हो गया? दूध भी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों की फीस चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जाने के लिए बस ठीक है, फ्री कर रखी है, लेकिन क्या हर जगह आप बस से जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो एक सिर्फ चावल और गेहूं देने से क्या फ्री हो जाता है राशन? और कितना देते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे थे आम आदमी पार्टी से कि वहाँ वो इस पर कुछ बोलेंगी? उससे पहले सीएनआरसी का मसला हुआ था दिल्ली में, जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, जब दिल्ली में प्रायोजित तौर पे दंगे करवाए गए, मुसलमान इलाकों पे हमले करवाए गए, मुसलमान लड़कों को नागरिकों को उठाया जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? उनसे तब भी लोग कह रहे थे आप उन इलाकों में जाओ जहाँ पे हमले हो रहे हैं, आप जाओ, आप एक बार अपने विधायकों के साथ घूम जाओ, ये अटैक्स होना बंद हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे थे? राजघाट पे बैठ के मोमबत्ती जला रहे थे। इससे भी थोड़ा पीछे जाएं, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और उसका
असली चरित्र वो कितनी सेक्युलर है ये तो उस टाइम भी सामने आ गया था जब अरविंद केजरीवाल की एक कॉन्वर्सेशन लीक हो गई थी जिसमें वो कह रहा था अरे हमें मुसलमानों को पार्टी का टिकट देने की क्या जरूरत है, वैसे ही बीजेपी से डरे हुए हैं, हमें ही वोट करेंगे, तो हम इनसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे। ये बात सच है कि रेप का या किसी भी दरिंदगी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जाहिरा तौर पे जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था उसके उसमें एक मजहब का पहलू तो था ही। बिल्किस बानो को इसलिए भी टारगेट किया था क्योंकि वो एक गरीब मुसलमान औरत थी, इसलिए भी बोलना। नहीं हाँ, और वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अल्पसंख्यकों के किसी भी मसले पर, जो मसले वाकई में उनके जिंदगियों को अफेक्ट करते थे, कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। इनको कहा गया था सीएनआरसी के टाइम पर कि आप तो दिल्ली में सरकार में हो ना, आप एक ऐसा बिल क्यों नहीं पारित करते हो कि सीएनआरसी अगर लागू हो गया दिल्ली में नहीं लागू होगा, दिल्ली में कोई भी इस तरीके का पहचान नहीं की जाएगी लोगों की नागरिकता की, और जो दिल्ली में रह रहा है वो दिल्ली का नागरिक माना जाएगा, आप एक बिल पारित करो, नहीं किया था इन्होंने। जब इसके ऊपर चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तब इसने जो है लीपापोती के लिए किया। तो इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही देखिए, ये कुछ तो मामला है ना कि ये हिंदुत्व की इस दौड़ में, जो हिंदुत्व फासीवाद की ये जो दौड़ है इसमें ये बीजेपी के पीछे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे भाग रहे हैं, सेकंड ही आएंगे कितनी भी कितना भी जोर लगाएं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी दुकान खुली हुई है हिंदुत्व की, उसके सामने ये अपना छोटा सा खोमचा लेके बैठेगा तो कैसे बात बनेगी। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये खोमचा इसने आज नहीं खोला, ये जब से बनी है पार्टी ये एक दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लोक रंजकतावादी पार्टी है, यही कुछ इस तरीके के लोक लुभावन नारे उठाओ, थोड़ा बहुत राशन बांटो, लेकिन अपनी वाली करो जो अपनी असली पॉलिटिक्स है। उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत एनजीओ का अपना जो पुराना इनका खेल पूरा चलता था परिवर्तन और कबीर एनजीओ, ये सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में दोनों चलाते थे, वही पॉलिटिक्स ये आज यहाँ पर लागू कर रहे हैं। ये फिर एक बार वही बात पुष्ट कर देती है कि जो न्यायालयों का चरित्र है, अब खुद ही सोचिए, मुझे इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, वो कितना स्त्रियों के, गरीबों के, मेहनतकशों के पक्ष में, ये हमें कुछ साथी हमारे मीडिया के साथी नाराज हो गए थे, आपको तो इसमें भी खोट नजर आता है, उसमें भी खोट नजर आता है, भाई कहीं पर कोई बात होगी जिस पे हम कुछ कह सकें, जो कहें कि हाँ भाई ये काबिले तारीफ बात है, प्यार से, उनका कहना था कि आप थोड़ा प्यार से बोलिए, प्यार मतलब आप जैसे देखिए बात जैसी होगी तेवर भी वैसा ही होगा, कोई ये कहे कि हम आरती उतार के बोले कि हम जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे तो नहीं, हम आरती उतार कर बोले कि न्यायालयों का चरित्र तो कितना जनपक्ष है, तो ये हो नहीं सकता है, तमाम जजमेंट्स ये बता देते हैं कि आज क्या चल रहा है, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो शुरू से ही था, बस ये हुआ है कि पिछले 8 सालों में ये बहुत व्यवस्थित तौर पे हो रहा है, हाँ जो थोड़ा बहुत इधर उधर गया उसका लोया हो जाता है।